हमारी आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो मेरे एक दोस्त ने मुझे बताई है। तो चलिए जानते हैं उसने मुझे क्या क्या बताया। यह करीब 2 साल पुरानी बात है। हमारे पिताजी का ट्रांसफर गुजरात से दिल्ली में हो गया था, इसलिए हमें अपना घर बदलना पड़ा। हम ट्रेन से दिल्ली पहुंच गए। हमारे पापा ने घर खरीद लिया था जो शमशान घाट के एकदम सामने था, और यह घर हमें बहुत ही सस्ते में मिल गया था। हम उतने अमीर नहीं थे, सो हमने ये घर खरीदना उचित समझा। हमारे पापा की ड्यूटी कुछ ऐसी थी कि वह सुबह घर से जल्दी चले जाते थे और देर रात में घर लौटते थे। मैं, मेरा छोटा भाई और मेरी माँ घर में अकेली रहती थी। मेरी और मेरे भाई की गर्मियों की छुट्टी चल रही थी। मुझे और मेरी मम्मी को ये नया घर बहुत ही पसंद आ गया था और ये बहुत बड़ा भी था। पर मुझे इस घर की एक बात अच्छी नहीं लगी कि यह शमशान घाट के पास मौजूद था, और मुझे भूतों से डर भी अच्छा खासा लगता था, लेकिन भूतों की किताबें और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक था। मेरी मम्मी भी इस बात से खुश नहीं थी, लेकिन क्या भी किया जा सकता था। मेरे मन में एक शक मुझे बहुत सता रहा था कि इतना बड़ा घर हमें इतने सस्ते में कैसे मिल गया, लेकिन मैंने ये बात किसी से नहीं की। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। मम्मी को एक दिन घर की सफाई करने को सूझा। मेरी तो स्कूल की छुट्टी थी, तो मम्मी ने मुझे भी हाथ बटाने को कहा, और मैं घर में अकेला बैठा था तो मैं भी मम्मी की मदद करने लगा। मेरी मम्मी हॉल साफ कर रही थी और मुझे बेसमेंट की सफाई करने को कहा। मैं सीढ़ी से उतरते हुए बेसमेंट में पहुंचा और मैंने सफाई शुरू कर दी। सफाई करते करते मेरी नज़र उस बेसमेंट के एक कमरे में गई। वह बहुत भूतिया सा दिख रहा था, लेकिन मुझे तो सिर्फ सफाई करनी थी, तो मैं वहां सफाई करने गया। जब मैं उस कमरे के पास सफाई करने पहुंचा, तब मैंने देखा कि उस कमरे पे ताला लगा हुआ था। मैं तुरंत दौड़ के मम्मी के पास गया और अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी, बेसमेंट में एक कमरा है जिसमें ताला लगा हुआ है। मेरी मम्मी बेसमेंट में उस कमरे को देखने गई और मैं भी पीछे पीछे मम्मी के साथ गया। मेरी मम्मी ने देखा कि उस ताले पर कुछ लाल धागे लगे हुए थे और बहुत ज़्यादा अजीब दिख रहे थे। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, चलो उस कमरे की सफाई की जाए, क्या हाउस के ओनर ने आपको इस ताले की चाबी दी है? तो मम्मी कहने लगी कि ऐसी कोई चाबी तो ओनर ने नहीं दी, और उसने इस कमरे के बारे में भी कुछ नहीं बताया। हम कुछ नहीं कर सकते। जब देर रात में पिताजी घर पहुंचे, तब मेरी माँ ने पापा को इस कमरे के बारे में बताया, और मेरे पापा ने इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। यह बात तो उनके सामने बहुत मामूली सी थी। जब रात में मैं और मेरी फैमिली सो गई, तब समय बीतता गया और मेरी नींद आधी रात को खुली। मैं रात को फ्रेश होने बाथरूम की ओर गया और मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। जब मैं फ्रेश होकर अपने कमरे में जा ही रहा था, तो मैंने देखा कि बेसमेंट में से डरावनी आवाज़ और रोशनी आ रही थी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वहां जाके देख सकूं। मैं तुरंत भागते हुए अपने कमरे की ओर चला गया। सुबह जैसे ही मेरी नींद खुली, मैं दौड़ के मम्मी के पास चला गया, और रात में मेरे साथ जो भी हुआ मैंने वो सब अपनी मम्मी को बताया, और मम्मी ने साफ साफ कह दिया कि यह तुम्हारा वहम होगा। और यह कहकर मम्मी अपने काम में व्यस्त हो गई, लेकिन मैं ही जानता था कि यह कोई वहम नहीं था। पूरा दिन बीत गया। जब रात हुई और अपना डिनर करने के बाद जब मैं अपने कमरे में आकर बैठ गया, तब मेरी खिड़की से शमशान घाट साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैं अपनी खिड़की से झांकने लगा, तब मैंने ऐसी चीज़ देखी कि मेरी आंख फटी की फटी रह गई। उस खिड़की में एक आदमी दिख रहा था जो मुझे घूर के देख रहा था। धीरे धीरे वो इंसान अपने कदम पीछे करता गया और धीरे धीरे वो गायब हो गया। अब यह घर मुझे भूतिया घर लगने लगा था। अब मैंने ये बात अपने घर वालों को बताना उचित नहीं समझा, क्योंकि मेरी बात कोई भी नहीं सुनता। समय के साथ दिन बीतते गए। मेरे मन में हमेशा चलता था कि उस दरवाजे के पीछे क्या हो सकता है। फिर एक दिन हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद हमारे घर में अजीब अजीब हादसे होने लगे। मुझे आज भी याद है उस दिन क्या हुआ था। हुआ ये था कि एक रात उस दरवाजे से आवाज आने लगी, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, और ऐसी आवाज आई मानो कोई दरवाजे पे जोर से दस्तक दे रहा हो। सभी लोगों की नींद खुल गई थी। हम सब बहुत डर गए थे। वहां आवाज
लगातार आ रही थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर मेरे पापा नीचे देखने गए कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है और हम सब उनके पीछे गए। नीचे जाने के बाद पता चला कि ये आवाज़ उसी दरवाजे से आ रही है। मेरे पापा ने उस दरवाजे को खोलने का फैसला लिया। हमने जैसे तैसे उस ताले को तोड़ दिया और जैसे ही हम अंदर गए आती हुई आवाज़ बंद हो गई। वहाँ पूरा अंधेरा था। फिर हमने टॉर्च जलाकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था और बहुत गंदगी थी, मानो जैसे वर्षों के बाद तालों को खोला जा रहा है। हमने फिर उस दरवाजे पे कुंडी लगा दी और सोने चले गए। अब मेरा शक यकीन बदल गया कि इस घर में कुछ ना कुछ तो भूतीय शक्ति है। फिर अगले दिन से हमारे घर में पहाड़ टूट पड़ा। पापा का एक्सीडेंट हो गया, भगवान की कृपा से उन्हें ज़्यादा चोट नहीं आई। फिर एक रात मेरी माँ ने ऐसी चीज़ देखी जिस पे उन्हें यकीन नहीं हुआ। एक रात उन्हें अपने कमरे में एक ऐसी आत्मा का साया दिखा कि वह उसे देखते ही बेहोश हो गई। अगले दिन उन्होंने पूरी बात बताई। तब मैंने भी उस आदमी को देखने की बात बताई जो मुझे शमशान घाट में दिखा था। फिर पापा ने एक तांत्रिक को बुलवाया। उसने थोड़ी पूजा करने के बाद बताया कि इस घर में पहले एक औरत की मौत हुई थी जिसे उसके पति ने उस कमरे में बंद रखा था, जिसने उस दरवाजे के अंदर अपना दम तोड़ दिया था। और जब मैंने उस आदमी को देखने की बात की तो तांत्रिक ने बताया कि वह उसका पति है। तांत्रिक ने हमें इस घर को खाली करने की राय दी। हम और कुछ कर भी नहीं सकते थे सिवाय उस घर को छोड़ने के। तब मुझे और मेरी फैमिली को पता चल गया कि यह घर हमें कम दाम में क्यों मिल गया। आखिरी में हमने ये घर खाली कर दिया और अपने नए घर में चले गए। तब से आज तक हमारे साथ ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ है, सब ठीक चल रहा है आज तक। पर एक सच बात बताऊं तो वो आत्मा मुझे आज भी दिखाई देती है।